पास्ट रिलेशनशिप से कुछ सीख लेके लिखा. एंड आई गेस लाइक लास्ट मेरा जब रिलेशनशिप टूटा, जिसमें अब मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी मजबूत है कि अब मैं बात करूँगी तो लोग सुनेंगे. मेरा एक गाना मेंट टू बी आया है, जो प्यार में बराबरी के बारे में है. स्पॉटिफाई, अमेजोन म्यूज़िक, एप्पल म्यूज़िक, विंक, जूक्स, जीनी, लाइक नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हेल्पलाइन और इस वक्त हमारे साथ हैं खास शख्सियत. इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज ये क्यों हमारे साथ जुड़ी हैं. आपको बताएंगे कि ये कौन हैं, कितना इनका सुरीला गला है और किस तरीके से ये अपने गले के राज से लोगों को मनमोह लेती हैं. तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका, और मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय खुद दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और डिटेल. ओके, हाय, आई एम भूवी एंड मैं एक गायिका हूँ. मैं अपने गाने खुद लिखती हूँ एंड मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में गाने लिखे हैं. मैं 3 अन्य भाषाएं भी बोल सकती हूँ, लेकिन अभी उसमें इतनी अच्छी नहीं हूँ कि मैं उनमें गाने लिख सकूँ, बट हिंदी और इंग्लिश में शायद ठीक ठाक काम कर रही हूँ. और अभी 4 दिन पहले मेरा एक गाना मेंट टू बी आया है, जो प्यार में बराबरी के बारे में है. एंड हमने करीब 500,000 व्यूज़ अभी तक पाए हैं. एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई व्यूअर्स लाइक सो मच. थैंक यू सो मच. प्लीज़ प्यार देते रहिए और देते रहिए. अच्छा, बहुत सारा देते रहिए. कौन से चैनल पे आप लोगों ने इसको रिलीज़ किया है और जो 5.5 लाख व्यूज़ आए हैं, कितने समय में आए हैं आपको, कितना टाइम लगा? एक्चुअली 4 दिन में. 4 दिन. 4 चैनल है मेरा अपना चैनल, यूट्यूब चैनल भूवी भदौरिया. एंड वो अन्य करीब 25-30 ऑडियो चैनल्स पे भी है. स्पॉटिफाई, अमेजोन म्यूज़िक, एप्पल म्यूज़िक, विंक, जूक्स, जीनी, जितने भी टॉप म्यूज़िक जितने प्रचलित म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब में है. अच्छा, कैसे आइडिया आया था इस तरीके का सॉन्ग लिखने का, क्या थीम है सॉन्ग का, थोड़ा सा वो भी दर्शकों के लिए बताएंगे. ओके, वेल, गाने का नाम है मेंट टू बी. मेंट टू बी मतलब जो होना है, मतलब अगर होना है. तो ये गाना एक्चुअली मैंने अपने पास्ट रिलेशनशिप से कुछ सीख लेके लिखा. एंड आई गेस लास्ट मेरा जब रिलेशनशिप टूटा, जिसमें मैंने बहुत एक तरीके से कहा जाए तो मैंने काफ़ी कहते ना कि बहुत शिद्दत से किया था. और अपनी तरफ से जितना मेरे से हो सका उतना मैंने मेहनत की उसमें, लेकिन कुछ हालातों की वजह से वो नहीं चला. एंड आई बिलीव उसके बाद करीब 1-1.5 साल मैं बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी. और एक तरीके से कहा जाए तो मैंने बस छोड़ दिया था. मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं है, सब हम कुछ नहीं करना. तो ये मूव ऑन के लिए बनाया ना? नहीं, ये मूव ऑन के लिए नहीं, ये मूव ऑन के बाद के लिए बनाया. ये मूव ऑन के बाद मैंने रियलाइज किया कि अब अगली बार जब प्यार करूंगी तो ऐसे करूंगी. अच्छा, तो उसके लिए आप तैयार हो रही हैं अभी से? जी, कोशिश तो जारी है. देखा, अभी से आप तैयार हो रही हैं कि कैसे अपने माइंड सेट को प्रिपेयर रखना है? मतलब अभी मैं तैयार कर रही हूं कि अगली बार क्या देखना है. मतलब नेक्स्ट आप रिलेशनशिप के लिए रेडी हो रही हैं? जी. अच्छा, ये गाना जो यंगस्टर्स देखेंगे उनको क्या मैसेज जाएगा, क्या आप उनको बताना चाह रहे हैं गाने के जरिए? मेरा मानना ये है कि सबसे पहली चीज़ खुद से सबसे ज़्यादा प्यार करूँ. सबसे पहले खुद से प्यार करूँ. अगर आप खुद से प्यार नहीं कर पाओगे पूरी तरीके से और अच्छे से, आप किसी और से भी नहीं कर पाओगे. आप सिर्फ वो जो आपको लगता है कि आप में कमियां हैं वो दूसरों में खोजते रहोगे, लेकिन अगर आप पूरे खुद पूरे हैं अंदर से, तो आप बाहर भी जाकर एक दूसरे पूरे इंसान को खोजेंगे, जो मेरी नज़र में बहुत बड़ी बात है. बिकॉज वो कहते हैं ना कि वो मेरे बेटर हाफ, वो हाफ नहीं होना चाहिए. मेरा मानना ये कि मैं भी फुल और तुम भी फुल. जो थोड़ी बहुत कमी ज़्यादा हो तो चलेगा, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी सारी खामियाँ आपसे पूरी कर रही हूँ और आप अपनी सारी खामियाँ मुझसे. ऐसा नहीं होना चाहिए. मेरा 100% अपना. हाँ, मेरा मानना ये, हाँ, या मेरा मानना ये कि दोनों तरफ से 100% योगदान होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी मेहनत एक इंसान कर रहा है और दूसरा वाला बस बैठा है. हाँ चलो ठीक है, ये कर रहे हैं, चलो ठीक है, मुझे क्या ज़रूरत है. ऐसे नहीं होना चाहिए. अगर जैसे कि कई बार होता है कि ये इवन महिलाओं में भी एक धारणा है ना कि वो फूल लेके आएगा, वो पैसे देगा खाने के, ये मेरा मानना है गलत है. अब आजकल हम आगे बढ़ रहे हैं, औरतें भी कदम से कदम मिला के चल रही हैं. दे आर ऑल्सो मेकिंग मनी एज मच एज द मैन आर. सो वो कहना ना कि पैसे उसे देने चाहिए, ये गलत है. और मेरा मानना है सेम चीज़ लड़कों में भी होनी चाहिए. ऐसे नहीं होना चाहिए कि कपड़े वही धोएगी, जो पहले आ जाए वही धुल दें, कोई बात नहीं. जो खाना वही बनाएगी, नहीं,
कुछ रोटी बना देगी तुम सब्जी बना देना, या तुम वो सब्जी बना देगी तुम रोटी बना देना, इट्स लाइक दैट. मेरा मानना ये है कि अगर अगर कोई इंसान दूसरे का वजन ढोता रहेगा ना तो बहुत ज़्यादा दिन तक ढो नहीं पाएगा, फिर एक रिजेंटमेंट आ जाएगा, फिर आप के मन में ना ऐसा लगेगा कि मैं ही सारा काम क्यों करूँ, फिर वो म्यूचुअल कोऑपरेशन वो आपके मन में बढ़ता जाएगा धीमे धीमे. जैसे कि एक लेवल के बाद आपने देखा होगा कि रिश्ते में एक आदमी बहुत गुस्सैल हो जाता है एक लेवल के बाद, फिर वो हर बात बात में चिड़चिड़ा हो जाता है, बिकॉज वो थक जाता है, वो काम करते करते थक जाता है. तो इतना आपने डिटेल में बताया, ये काफ़ी हेल्थी एक्सपीरियंस है आपके पास. तो अभी जब आप ऐसा कोई इंसान ढूंढेंगे जो म्यूचुअली कोऑर्डिनेट करे, क्या लगता है कि ऐसा इंसान मिलना आपके लिए आसान है मुश्किल है? बहुत मुश्किल है. बहुत मुश्किल है बिकॉज पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि सामने वाला इंसान सही करता रहे लेकिन मुझे कुछ ना करना पड़े. तो बहुत मुश्किल है लाइक एक्चुअली, बिकॉज आप लोगों से मिलोगे और आपको शुरू शुरू में उनका स्वभाव, शुरू में आप किसी से भी मिलो उनका स्वभाव अच्छा ही होता है. वो ये कहना बहुत ही लाइक वो होगा कि स्वभाव खराब था किसी इंसान का, नहीं, सब आप किसी से भी मिलोगे शुरू में कोई आपको बुरा नहीं लगता है. हिडन हार्ट हाँ, में निकल गया. 10 दिन 15 दिन 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद आपको पता चलता है अरे. तो इट्स लाइक दैट. सो आई बिलीव दैट अभी बहुत कम लोग हैं जो अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, जो खुद ग्रो करना चाहते हैं, जिनको अपनी खामियाँ भी दिखती हैं. अच्छा, वो भी एक आखिरी सवाल करूँगा कि आगे क्या प्रोजेक्ट्स हैं? आप 10 गाने कर चुके हैं, नेक्स्ट आपके क्या गानों की सीरीज़, कुछ और आने वाला है कोई नया गाना? ओके, सो आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट विद मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड लाइक माय मॉम पास्ड अवे लाइक 10 years अगो एंड लाइक बिकॉज ऑफ विच लाइक आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड आई वाज डिप्रेस्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो मैंने मतलब बहुत ही यू नो डार्क डेज देखे हैं एंड मैंने वहाँ से अपने आप को बिल्ड किया है. तो आई रियली वांट टू टॉक अबाउट माई दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ. टाइम लग गया मुझे बात करने में उसके बारे में. तो आई बिलीव अब मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी मजबूत है कि अब मैं बात करूँगी तो लोग सुनेंगे. तो अब मैं चाहती हूँ कि लाइक अब मैं अपने देश के यूथ को ये बताऊँ कि यू नो लाइक जस्ट बिकॉज आपकी ज़िंदगी में बुरा वक्त होता है, बुरी ज़िंदगी नहीं होती है बेसिकली. या तो अभी कोई नया गाना आने वाला है इसके बाद, मैन टू बी के बाद? जी एक्चुअली नया गाना हम करीब 4 महीने बाद रिलीज़ करेंगे जिसका नाम है डिप्रेशन. हमारी नेक्स्ट एल्बम इश्यूज़ जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात करेगी. तो धीमे धीमे मैं हर एक मेंटल हेल्थ इशू के बारे में एक लाइक मोर कंटेम्प्रेरी वे एक्सप्रेस करना चाहूँगी. जैसे कि डिप्रेशन में इंसान को कैसा लगता है, कैसा अंदर से महसूस होता है. लोगों को लगता है कि डिप्रेशन का मतलब होता है कि हमेशा दुखी रहना, हमेशा रोते रहना. ऐसा नहीं है. आप अच्छे खासे हंसते खेलते इंसान को अगर आप बाहर मिलोगे आप नहीं कह सकते उनको डिप्रेशन है. सो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ उस गाने के थ्रू कि मुझे अंदर ऐसा महसूस होता है, ज़रूरी नहीं है बाहर से ऐसा दिखता हो. चलिए, बहुत उसके गाने आने वाले गाने की भी शुभकामनाएं. और जो नया गाना इनका आया है उसमें भी इनके 5 लाख व्यूज़ मात्र 4 दिन में इनको मिले हैं और बहुत अच्छा भी जा रहा है उसका ग्रोथ रेट. और भूवी भदौरिया नाम से यूट्यूब पे चैनल है जिस पे इन्होंने रिलीज़ किया है. पिछले सभी गानों की मेहनत से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स इस गाने को मिला है. तो आप भी इस गाने को देख सकते हैं, पसंद कर सकते हैं और अपनी विश लिस्ट में डाल सकते हैं, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और उनके साथ शेयर कर सकते हैं जो रिलेशनशिप्स को और अच्छे से निभाने की सीख लेना चाहते हैं. दिल्ली से पवन कुमार जुनेजा, न्यूज़ हेल्पलाइन.